ब्रेक पे जाने से पहले आपने अचानक से हमारे दोस्त खुदा ने चेक का नाम दिया, आपने कहा कि उसे फाइनल में नहीं होना चाहिए था, क्या खुदा ने ऐसा क्या किया? मतलब मेरी कोई उससे खुदा ना खासा दुश्मनी नहीं है, नहीं है साथ मेरी बिलावजा नहीं नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट द गेम 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 वाला फैजान शेख जिसे आप लोगों ने फुफो फुफो कहा था, आप मैंने नहीं सिर्फ कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो वो बाहर से मशहूर हो गया। कोई वाली चीज सबसे पहले नाम रखा रूबा नजर, राइट? हाँ, फुफो रूबा ने कहा था सबसे पहले, उसी की बेस्ट फ्रेंड ने। ओके, अच्छा, एनीवे वो इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि फैजान का सिर्फ एक ही जगह पे दिमाग था पूरी गेम में, सिर्फ एक ही जगह पे, क्या के अगले बंदे को एलिमिनेट कैसे कराना है, अगले बंदे को टास्क कैसे हरवाना है, क्या पता ये गेम अगले बंदे को कैसे निकलवाना है, अगले बंदे को टास्क कैसे हरवाना है, उसके दिमाग में सिर्फ तो यही तो गेम था। नहीं, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं जिंदगी में, उस घर के अंदर रह के सिर्फ एक चीज को आप लेके नहीं चल सकते। हाँ। सिर्फ आप अगर आप जब तक आपको टास्क नहीं मिला आप यूं करके बस बैठे हुए हो, या सिर्फ अपने अगर किसी की बुराई करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स में जाके बैठ गए हो, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं है आपके दिमाग में सिवाय आपके दिमाग चुप बैठ कर दिमाग पे जोर डालने के कि आज इसको कैसे निकलवाना है। और उनमें कोई एक नाम नहीं होता, सभी होते थे। अच्छा, सभी ये तो इसलिए मैंने कहा है कि उसने अपनी गेम अच्छी नहीं खेली, तो उसको किसने अपनी गेम बहुत ईमानदारी से खेली, आपको क्या लगता है कौन था जो जो थोड़ा सा अंडरडॉग रहा, कि लोगों को लग रहा था कि यार ये नहीं करेगा लेकिन वो कर गया? जुनैद ने अपनी गेम अच्छी खेली है, जुनैद अच्छी खेली, हाँ, कुछ बेहतर खेला उसने, आई मीन बाकी लोगों से, बाकी उमर ने भी बहुत अच्छा खेला है, उमर ने बहुत अपने पेशेंस जो दिखाए हैं ना सबको, वो वाकई वो उसके नेचुरल थे, तो आई थिंक उमर ने भी बहुत अच्छी गेम खेली है। बाकी मुझे ऐसा लगा सबसे बड़ा अंडरडॉग इस शो का था दानिश भाई टिके रहे हैं लास्ट वीक तक अपने टास्क को जीत कर। यस यस, हर वीक वो सेफ होते थे बाहर, उनको वोटिंग की तो टेंशन नहीं होती थी। मैं तो पूरे शो में एक टास्क जीती थी, वो भी फाइनल में जाने वाला टास्क जीती थी, उससे पहले आप भी हारी थी। नहीं थी, मुझे तो वोटिंग के थ्रू लोगों ने चेहरा के रखा, और आखिरी जो फाइनल का टास्क था वो मैंने जीत लिया था, टिकट टू फिनाले का एक टास्क था वो हमने जीत लिया था। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बादशाह सलामत का मूड चेंज हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस लास्ट वीक में भी कोई सेफ नहीं है। और आपने एलिमिनेट होने के टाइम पर बादशाह सलामत से थोड़ी सी एक शिकायत भी की थी, वो क्या थी, क्या हुआ? नहीं, एलिमिनेट होने के टाइम पे कोई शिकायत नहीं की थी, कुछ कहा, सिर्फ उन्होंने मुझे पूछा था क्या सीखा, मैंने कहा सब कुछ अच्छा सीखा है, बर्दाश्त सीखी है, और घर में जो बहन भाइयों की भी लड़ाइयाँ हो जाती है वैसे यहाँ पे भी हुई।